ओम शांति। मुरली का तारीख है 10/12/2020। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसीलिए महादानी बनो। प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। थर्ड पॉइंट, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। फोर्थ पॉइंट, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए, वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। सिक्स पॉइंट, उनकी रगे सब तरफ से टूटी हुई होगी। सेवन पॉइंट, वह बाप समान उदार चित्त होंगे, उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। गीत, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वहां बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, या पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से, यह है सुप्रीम टीचर जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है, लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं, कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बन आते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बिचारे चिल्लाते रहते हैं, इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो, या तो बिचारों को पता नहीं शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है, यह चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सत्युग में तो शांति थी जबकि एक धर्मता। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहां तह अशांति की बातें लिख दी है, दिखाते हैं द्वापर में कंसता, फिर हिरण्यकश्यप को सत्युग में दिखाते हैं, त्रेता में रावण का हंगामा, सब जगह अशांति दिखा दी है। मनुष्य बिचारे कितना गोर अंधियारे में है, पुकारते भी है बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे गॉड को, बिचारे जानते ही नहीं शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है, उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाज ही भी गाते हैं शांति देवा, बाप कहते हैं पहले है पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहां पवित्रता थी, पीस थी, हेल्थ वेल्थ सब है। धन बिगर मनुष्य उदास हो जाते हैं, धन बिगर तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने, या विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, परंतु वहां दिमाग सबका नंबर वार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरे निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ, ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है, इस समय अर्जुन तमो प्रदान से रजो तक आए हैं, अभी सतो सतो प्रदान तक जाना है। वहां ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है, योग बल की बहुत कमी है, फट से सतो प्रदान नहीं बन सकते हैं। या जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वहां तो ठीक है, तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए, फिर जीवन मुक्त में भी सर्वोत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है,
बल बाप का बन, फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता है। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। बच्चों के अंदर में खुशी के डोल बजने चाहिए, या हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो, वहां पवित्रता सुख शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं या त्योहार आदि जो भी है परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से या कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब सत्युग में तो रावण होता नहीं, वहां कोई भी दुख नहीं है, इसीलिए गार्ड को भी याद नहीं करते। यहां सब गार्ड को याद करते रहते, समझते हैं गार्ड ही विश्व में शांति करेंगे, इसीलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे, जो पवित्र नहीं बनेंगे वहां तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए। एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे, जब तक कर्मातीत अवस्था हो हनुमान मिसाल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। पांच विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे लग ना सके। तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से या वर्षा लेते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। या भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है, या पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्थान में जाने लिए कल्प पहले मिसाल पुरुषार्थ करते रहते हैं, या तो कब्रस्तान है ना, पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीडी में है, या सीडी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं है। यहाँ सागर के कंटे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना कूटे, दानी महादानी कहते हैं ना, जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में वहां साहूकार के घर में जन्म लेते हैं, वहां दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो, पढ़ाई भी है दान भी है। यहाँ है डायरेक्ट भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शुबाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं, शुबाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्न। एक एक रत्न लाखों रुपयों के हैं। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा, तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना,
यहां भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह है चैतन्य दिलवाड़ा, वह है जड़। तुम हो गुप्त इसीलिए तुमको जानते नहीं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा, जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरों को फिर कैसे जानेंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, या ज्ञान इंजेक्शन है ना, आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना, या महिमा भी अभी की है, सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबर वार एक दो के पास जाते हैं ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है, फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वहां माफ भी कर देते हैं। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित्त होना चाहिए। इस भगीरथ में बाप प्रवेश हुए तो इनको बाप ने उदार चित्त बनाया ना। कुत्तो कुछ भी कर सकते है ना, वह इनमें आकर मालिक बन बैठा है। चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे, हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलेट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो। कोई को जट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। मनुष्य से देवता बनाना या जादू है ना। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। हठयोगी कभी राजयोग सिखला ना सके, या बातें अभी तुम समझते हो। तुम मंदिर लायक बन रहे हो इस समय। या सारी विश्व बेहद की लंका है, सारे विश्व में रावण का राज्य है, बाकी सतयुग त्रेता में या रावण आदि हो कैसे सकते। बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूँ वहां सुनो, इन आंखों से कुछ देखो नहीं। या पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है, इसीलिए हम अपने शांतिधाम सुखधाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, या नंबर वन पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे, अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हो। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राज्यदानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। यह केल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर, तुम्हारा धंधा ही यह है। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे उनको उतना इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बिगर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं
तो भी खुशी होती है, प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाता है तो भी खुशी होती है, थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, यहाँ बहुत ऊंच सर्विस है, उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता। कहेंगे हम यहाँ मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है, मिल्कियत आदि में किटपिट देखेंगे तो कहेंगे यहाँ सोना ही किस काम का जो कान काटे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है, बाबा कह देते हैं मकान भी बल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है, इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है, बाबा कहते हैं मन मनाबो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बहुत मदद मिल जाती है, इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी है बहुत। मकान आदि की बात नहीं, मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं, जो सर्विस नहीं जानते वहां तो अपने काम के नहीं, टीचर आप समान बनाएंगे नहीं बनते तो वहां क्या काम के। हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है, बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए, ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है, सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। सेकेंड पॉइंट, बाप समान उदार चित्त बनना है, सबकी नब्ज देख सेवा करनी है, अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है, अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही बवा, जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं, जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते, जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे या अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देता है, और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। श्लोगन, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार, विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है, विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अच्छा, ओम शांति।